देखिए लौकी की दाल कितनी स्वादिष्ट कितनी टेस्टी बनी है। जिसे लौकी नहीं पसंद है वो भी ये दाल उंगलियाँ चाट चाट कर खाएगा, तो इसे बनाना हम आपको बताते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनी तिवारी, निको चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लौकी की दाल बनाने वाली हूँ। लौकी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, बट बहुत लोग इसे पसंद नहीं करते हैं। तो आज हम बहुत ही ईजी तरीका से और टेस्टी दाल बनाना बताएंगे। जिसे लौकी पसंद ना है वो भी ये अंगूरी चाट चाट कर खाएंगे। तो चलते हैं किचन में। लौकी दाल बनाने के लिए हमने आधा केजी लौकी लिया है। इसे छील के साफ करके बारीक टुकड़े में कट कर लिया है और ये 2 कटोरी चना दाल है। अब इसे हम प्रेशर कुकर में डालेंगे। चना दाल डालेंगे इसके अंदर। इसके अंदर हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। एक गिलास पानी डाल के हम चार सीटी आने तक पका लेंगे। 4 सीटी लग गया है, अब इसका स्टीम थोड़ा सा हम निकाल देंगे। गैस पे हमने कढ़ाई रख दिया है, इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल दिए हैं। मस्टर्ड ऑयल को अच्छे से हम गर्म होने देंगे। मस्टर्ड ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, अब इसमें हम 2 तेज़पत्ता डालेंगे। सूखी लाल मिर्च डालेंगे, हम इसमें हींग डालेंगे। हरी मिर्च डालेंगे और एक कटा हुआ प्याज डालेंगे। इसको गोल्डन होने तक भून लेंगे। ये प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसमें लहसुन अदरक का हम पेस्ट डालेंगे। इसे भी थोड़ा सा हम भून लेंगे। अब इसके अंदर कुछ और मसाले हम ऐड करेंगे। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये तीखा नहीं होता है बट इससे कलर बहुत अच्छा आता है। ये थोड़ा सा गरम मसाला है। थोड़ा सा हम नमक डालेंगे। नमक हमने दाल में डाला है इसलिए इसमें सिर्फ थोड़ा सा नमक, मसाले के लिए ही हम नमक इसमें ऐड करेंगे। ये भून गया है, अब हम दाल को चेक कर लेते हैं। दाल का हमारा प्रेशर निकल गया है, अब इसे हम देख लेते हैं। दाल हमारा अच्छे से पक गया है, इसे हम इस तरह चेक कर लेंगे। दाल हमारा अच्छे से गल गया है। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ये बहुत गाढ़ा है। अब इसे हम ढककर 5 मिनट तक पका लेंगे। 5 मिनट हो गया है, अब हम दाल को चेक कर लेते हैं। तो दाल हमारा अच्छे से पक गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा कस्तूरी मेथी ऐड करेंगे। आप चाहे तो धनिया पत्ता भी इसमें डाल सकते हैं। कस्तूरी मेथी का फ्लेवर हमें बहुत पसंद है इसलिए हम इसे ऐड कर रहे हैं। अब इसे ठंडा थोड़ा होने देंगे। अब इसे हमारी लौकी की दाल बनके रेडी है। आप इसे चावल के साथ, रोटी के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट बना है, तो आप भी बनाइए, खाइए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करिए। थैंक यू।